हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार मानी। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है एचआर मैनेजमेंट पोर्टल। और ये पोर्टल जो है, ये प्रोजेक्ट जो है फुल्ली रियल टाइम में डेवलप करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट कोई स्कूल जैसे कि कॉलेज लेवल, इंस्टीट्यूट लेवल प्रोजेक्ट नहीं है, फ्रेशर लेवल भी नहीं है, लेकिन ये फ्रेशर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर लेते हैं, पूरा सेशन का हमारे वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद ऐसा लगेगा कि आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है दोस्तों। क्योंकि हम जो डेवलप करने वाले हैं वो रियल टाइम में जो हम कंपनी में कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, लेकिन बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हमने कोडिंग को स्टार्ट नहीं किया है दोस्तों। और बहुत सारे लड़के ये जैसे कि कमेंट किया कि नेक्स्ट पार्ट से कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट से भी हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया है दोस्तों कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एचआर मैनेजमेंट पोर्टल, वो 100% जो है रियल टाइम में करेंगे। यानी रियल टाइम में कंपनी में कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे डिस्कस होता है, तो रियल टाइम में करने से पहले हम उसके पहले कुछ पॉइंट पे फोकस देना पड़ता है। सबसे पहले सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट का कैसा होना चाहिए, SDLC पे डिस्कस होना चाहिए कि प्रोजेक्ट को जैसे डेवलप कैसे करेंगे, उसका एफिशिएंसी कैसा रहेगा, कितना टाइम लगेगा जिसे रिफ्रेश होने में, रीलोड होने, कंटेंट लोड होने में, तो उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद बात किया जाए तो ईआर डायग्राम पे बात करेंगे। ईआर डायग्राम एक मस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, जैसे कि यूजर और एडमिन के बीच में कैसे रिलेशन बनाया जाता है, कौन किसका क्या रोल होगा दोस्तों, उसके लिए कितने टेबल बनाना पड़ेंगे, तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोनू सॉफ्ट को सब्सक्राइब करना भूले दोस्तों। क्या है कि दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को लगेगा कि हमारे पास टाइम है, मैं वीडियो बना देता हूँ, आप लोग देख कर छोड़ कर चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग टाइम देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए टाइम, देखिए अभी 11 बज रहा है, 11 बजे नाइट को हम ये वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, यानी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप ही लोग के लिए, कि क्या है कि आप लोग को हेल्पफुल हो सके। बहुत लड़के फेक एक्सपीरियंस लगाकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए लगाकर जा सके, अच्छा नॉलेज हो सके, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जब मैं नाइट 11 को वीडियो शूटिंग कर सकता तो आप लोग को, आप लोग शेयर क्यों नहीं कर सकते कॉलेज ग्रुप में, इंस्टीट्यूट ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊंगा। नहीं तो मैं भी अगला वीडियो चाहते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं तो मैं भी नहीं जानता नेक्स्ट वीडियो आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं प्रोजेक्ट के डिजाइन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक शॉर्ट्स में हम दिखा देना चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों। अभी तक डेवलप नहीं किया, हमारे पास एक डेमो प्रोजेक्ट है, सेम तो यही प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए आपसे दिखा दिया देंगे, उसके बाद हम लोग तो डेवलप करेंगे, उसके बाद हम लोग सब यहाँ पे हमने ऐड किया अपकमिंग बर्थडे एनिवर्सरी, जिसका बर्थडे एनिवर्सरी इस महीना में आने वाला है, उसको हमने यहाँ पे दिखाया है दोस्तों। यहाँ रिसेंट एक्टिविटी, कौन नया एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ, गया क्या, रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटी दिखा दिया है हमने। यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट के कितना एम्प्लॉय काम करते हैं, क्यूए टेस्टिंग में कितना एम्प्लॉय, नेटवर्किंग में, और ये स्टेटस डिनाइड सब दिखाया है। सेकंड में देखिए ऐड एम्प्लॉय का ऑप्शन, ऐड एम्प्लॉय में यहाँ पे एचआर क्या करेगा कि यहाँ पे एम्प्लॉय का ऐड करेगा, इन्फॉर्मेशन है सब है, प्रीवियस कंपनी नेम, पीएफ नंबर, सैलरी, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ज्वाइनिंग डेट, सब कुछ नेम, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फिल करके यहाँ पे सबमिट मार दिया जाएगा। एक्टिव का भी बटन हमने डाल दिया है, एक्टिव मीन्स कहने का मतलब कि आप लोग अपडेट भी कर सकते हैं, कहने का मतलब कि जब कोई कंपनी छोड़ता है तो हम लोग एक्टिवेट जैसे एक्टिव नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑल एम्प्लॉय में हमने एक डेटा टेबल डाला है और सारा रिकॉर्ड यहाँ से पूरा दिखा दिया है दोस्तों, एकदम 100% जो है रियल टाइम है, कहने का मतलब 100% हमारा एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव भी होगा। देखिए यहाँ पे मोबाइल व्यू में होगा, देखिए दोस्तों मोबाइल व्यू में कैसे एडजस्ट हो गया, देखिए नीचे आ गया सब, तो मोबाइल व्यू में कितना शानदार एडजस्ट हो गया दोस्तों ये मोबाइल व्यू में। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का है, क्रिएट पोस्ट में कोई भी पोस्ट हम लोग शेयर कर सकते हैं, कोई भी एक्सेस कर सकता है, जैसे कि फेसबुक व्हाट्सअप पर आप लोग कोई पोस्ट करते हैं, तो सेम थिंग यहाँ पे हमने डाला है दोस्तों, और इसको भी दिखाने वाले हैं बाद में। स्टेटस में, जैसे स्टेटस में हमने ऑप्शन दिया है कि कोई भी अप्रूवल सेंड करता है, कि जैसे कि हमें 10 दिन का छुट्टी चाहिए, 5 दिन का छुट्टी चाहिए, कोई भी रिक्वेस्ट करता है मैनेजर से, एचआर से, तो वो लोग कर सकता है, और एचआर मैनेजर यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा या डेनाइड मार देगा, हटा देगा उधर। चलिए ठीक है, माय प्रोफाइल में देखा जाए दोस्तों, तो माय प्रोफाइल में मैं जो लॉगिन है उसका डेटा दिखाएगा यहाँ पे,
नेम दिखाएगा, डिजिग्नेशन दिखाएगा, पोजीशन दिखाएगा। दोस्तों नीचे देखिए सेटिंग्स का बात कीजिए, सेटिंग्स भी ऑप्शन दिया है दोस्तों। इन सेटिंग्स में हमने जैसे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिया, तो अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड चेंज कर लिया जाए तो आप लोग भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। साइड में एक सर्च बॉक्स दिया है, इधर जो लॉगिन है उसको दिया है दोस्तों, इधर नाम है, एड्रेस। देखिए दोस्तों एक सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर दिया है जो कि बहुत डिमांडेड है, डिमांडेड है आजकल के डेट में। यहाँ पे हमने एक मैसेज चैट दे दिया है, साइड में देखिए नीचे एक देखिए मैसेज चैट दे दिया है। इसको क्लिक करते हुए देखिए पूरा चैट ओपन हो जाएगा, आप टीम के साथ अपने कन्वर्जन कर सकते हैं, कोई भी बात पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग नहीं है, यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देखिए अगर आप इधर से मैसेज कीजिएगा, जो उधर से रिप्लाई देगा उसका नाम भी यहाँ पे हम दिखा रहे हैं दोस्तों। देखिए देखिए कितना अच्छा फीचर है दोस्तों, ये कोई कॉलेज लेवल इंस्टीट्यूट लेवल में नहीं मिलेगा। ये हम जो प्रोजेक्ट डेवलप करा रहे हैं जावा रियल टाइम प्रोजेक्ट डेवलप करा रहे हैं दोस्तों, जावा रियल टाइम। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, तो हमने एप्लीकेशन दिखा दिया, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि हम लोग किस किस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और इस जैसे कि इस प्रोजेक्ट को डेवलप करते समय हम किस किस टेक्नोलॉजी का कौन कौन सा टेस्ट करने वाले हैं, तो वो सब भी इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे पेंट पे आते हैं। तो यहाँ पे पेंट पे आने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि पेंट में हमने कुछ ऑलरेडी इमेजेस डाल के रखा है, तो इमेजेस हम लोग इसलिए ऊपर सबसे देखिए दोस्तों, स्प्रिंग बूट थाइमली बूटस्ट्रैप माइसीक्यूएल पोस्ट में। मैंने आपसे ऑलरेडी बोला है दोस्तों कि हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं, तो रियल टाइम में हम कुछ एक्स्ट्रा भी कवर कर रहे हैं ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि हमने स्प्रिंग बूट जानता ही नहीं तो कैसे करेंगे, तो नहीं जानते हैं तो वही तो मैं सिखा रहा हूँ, क्यों नहीं कीजिएगा, तो सीखिए पहले, पूरा वीडियो देखिए आप लोग 100% सीख जाएगा। अगर आपको बिल्कुल स्प्रिंग बूट नहीं होगा तो हमने ऑलरेडी कर्ड ऑपरेशन करा दिया है एम्प्लॉय पे, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका है, आप लोग जाकर देख लीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे बात मैं करते हैं, तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम लोग इसमें हम लोग स्प्रिंग बूट यूज करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्प्रिंग बूट यूज होगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग जैसे कि यूआई डिजाइन के लिए, जैसे कि हम यहाँ पे एंगुलर रिएक्ट यूज नहीं करने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, उसके लिए अलग एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ सकते हैं। तो हम एक यहाँ पे हमने थाइमलिप सिंपली यूज करेंगे, थाइमलिप से भी बहुत बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस आता है, बहुत अच्छा यूजर फ्रेंडली आता है, बहुत नाइस आता है दोस्तों। तो यहाँ पे थाइमलिप यूज करने वाले हैं, जेएसपी नहीं यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि जेएसपी अभी डिमांड में नहीं चल रहा है आजकल मार्केट में। यहाँ पे देखिए थर्ड इज बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप कहने का मतलब जब थाइमलिप यूज करेंगे तो थाइमलिप क्या है, एक एचटीएमएल पेज है, थाइमलिप एचटीएमएल पेज है, या एचटीएमएल जैसे कि एचटीएमएल इंजन भी कहा जा सकता है, टेम्पलेट भी कहा जा सकता है। थाइमलिप इज ए टेम्पलेट इंजन, एचटीएमएल पेज है थाइमलिप। अब देखिए यहाँ डेटाबेस में हम लोग यूज करने वाले हैं MySQL, MySQL आप लोग जानते हैं। यहाँ पे हम ओरेकल भी, पोस्टग्रेस भी, MariaDB, कोई भी हम HiDB भी कुछ भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अभी के डेट में थोड़ा लड़का ज़्यादा जानते हैं। कहने का मतलब कि लड़कों का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट MySQL में रखते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे MySQL यूज कर रहा हूँ। यहाँ देखिए पोस्टमैन, देखिए दोस्तों पोस्टमैन यूज करेंगे, कहने का मतलब जो हम यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं ये हमारा वेब एप्लीकेशन है, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर स्प्रिंग MVC के यूज करेंगे, स्प्रिंग बूट का और डेवलप करेंगे। इसमें पोस्टमैन का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन हमारा रेस्ट ऑफ फुल सर्विसेस थोड़े, हमारा वेब सर्विसेस थोड़े है कि हम यहाँ पे पोस्टमैन पे कंज्यूम करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, गेट करेंगे। लेकिन हमने पोस्टमैन ऐड इसलिए किया है कि हम जब इस प्रोजेक्ट में पोस्टमैन को भी कहीं कहीं यूज करके आपको दिखा देंगे कि रेस्टफुल सर्विसेज को कैसे कॉल किया जाता है, यानी रेस्ट एपीआई को कैसे कंज्यूम किया जाता है, कैसे सेंड किया जाता है, तो इसलिए हमने पोस्टमैन भी डाल दिया है कि क्या है कि मैक्सिमम स्प्रिंग बूट से हम लोग टॉपिक कवर कर सके दोस्तों। देखिए दोस्तों नीचे अगर आया जाए तो यहाँ देखिए इतना करेंगे, अगर हम इतना कर लेते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम इतना करेंगे तो हमारा एक एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। हमारा एप्लीकेशन क्या होगा, तैयार हो जाएगा, तैयार मीन्स कहने का मतलब यह है कि हमारा एप्लीकेशन इतना में रेडी हो जाएगा, लेकिन हमारा एप्लीकेशन को सिक्योरिटी कौन प्रदान करेगा। कोई भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि हमारा एप्लीकेशन सिक्योर रहना चाहिए, सिक्योर, कोई भी हैकर अटैक ना कर सके, हैक ना कर सके, हमारे प्राइवेट डेटा को लीक ना कर सके। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी फर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे।
फर्म बेस ऑथेंटिकेशन स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई JWT टोकन यूज नहीं कर रहे हैं, क्या है कि रेस्टफुल सर्विसेज नहीं है दोस्तों। यहाँ पे वेब एप्लीकेशन फर्म बेस लॉगिन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फर्म बेस लॉगिन यूज स्प्रिंग सिक्योरिटी फर्म बेस लॉगिन यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये वेब सॉकेट भी यूज करेंगे दोस्तों। देखिए वेब सॉकेट का बहुत लोग नहीं जानते, क्या है कि बहुत सारे आदमी को 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, 4 साल का, 5 साल का, लेकिन वेब सॉकेट के बारे में नहीं जानते। तो वेब सॉकेट हम यहाँ पे इसलिए यूज करेंगे, क्या है कि जब यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया कि एक चैट, हमने चैट बॉक्स ऐड किया है, तो चैट बॉक्स में हम जैसे टाइप करेंगे और उधर से टाइप आएगा, तो इफिशियंट कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे हम लोग वेब सॉकेट यूज करेंगे। क्या है कि हमारा मैसेज को डिलीवर बहुत फास्ट करता है और पेज को भी, वहाँ उतना कंटेंट को भी रिफ्रेश कर देता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने जीमेल सेंड, जैसे कि यहाँ पे सेंड ईमेल का भी ऑप्शन दिया है दोस्तों, सेंड ईमेल। देखिए दोस्तों इतना सबका जरूरत नहीं है, लेकिन हमने मन में ठाना है कि फ्रेशर को भी टू ईयर एक्सपीरियंस इंजीनियर बनाना है, तो इसलिए हमने सब कुछ ऐड कर दिया है दोस्तों, ताकि आप लोग कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओ, एक्सप्लेन करो अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ एचआर मैनेजमेंट पोर्टल के बारे में, तो उसको इंटरव्यूअर को ऐसा लगे कि आप लोग कोई ऐसे आदमी से सीख कर आए हो जिसने अच्छा से एक्सप्लेन किया, रियल टाइम में सिखाया है, उसको ऐसा लगे कि आपको ही एक्सपीरियंस है, आपने इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग ईमेल भी यूज करेंगे कुछ मैसेज सेंड करने के लिए दोस्तों। चले यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे दोस्तों। साइड में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे AWS Amazon वेब सर्विसेस, यहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे AWS EC टूल पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए EC2 टूल है, जैसे कि यहाँ पे EC2 है, EC2 जैसे देख सकते हैं, थोड़ा ये जूम हो गया है, चलिए ठीक है। AWS EC2 टूल पे डिप्लॉय करेंगे, एप्लीकेशन को रन करेंगे, मोबाइल में भी, टैब में भी, लैपटॉप में भी, कहीं भी से भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आइए यहाँ पे देखिए डिप्लॉयमेंट हमारा लास्ट में होगा, लेकिन थोड़ा पहले था तो हमने बता दिया। सर उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगा तो हमारा लास्ट काम ये होगा, हम लोग टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन को टेस्टिंग करना, वर्क फ्लो को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हम लोग यूनिट टेस्टिंग करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्टिंग, सेकंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, थर्ड फंक्शनल टेस्टिंग। तो कहने का मतलब, अगर हम इतना स्टेप फ्लो कर लेते हैं कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, तो हमारे पास इनफ नॉलेज हो जाएगा, नो नीड ऑफ कीप मच एक्सप्लेनेशन, बिकॉज दिस इज इनफ फॉर एज ए फ्रेशर या एज ए टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो इतना करने के बाद हमें पूरा नॉलेज हो जाएगा, कोई ज़्यादा का जरूरत नहीं है दोस्तों, और हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले हमने बोला है दोस्तों कि हम एक ईयर डाइग्राम पे भी डिस्कस करेंगे, क्या है कि ईयर डाइग्राम मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ईयर डाइग्राम में क्या करेंगे, जैसे कि एंटिटी रिलेशनशिप डाइग्राम बनाएंगे, जैसे कि यूजर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिन का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिन को क्या परमिशन दिया जाएगा, यूजर को क्या परमिशन दिया जाएगा, किसका रोल क्या होगा, तो उस पर हम लोग थोड़ा शॉर्ट्स में डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके लिए हम लोग कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमने, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका जैसे नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, सोर्स कोड भी प्रोवाइड करूंगा, इसको हम लिंक में भी प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं, देखिए इसको सेफ मार देते हैं और नया पेज ले लेते हैं यहाँ पे। तो नया पेज में सबसे पहले देखिए दोस्तों, एंटिटी रिलेशनशिप बनाने के पहले हम लोग को एक यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक एंटिटी बनाएंगे। एंटिटी मीन्स एक पोजो क्लास बनाएंगे, बिन बनाएंगे, कहने का मतलब एक क्लास बनाएंगे जो एंटिटी और डेटाबेस से मैपिंग करेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन में हमारा ये सबसे पहले यहाँ पे रहेगा HR, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, HR इसमें रहेगा सबसे पहले। HR हो गया,
उसके बाद इससे कहने का मतलब हम इम्प्लॉई को, जैसे कि एचआर क्या है, एचआर यहाँ पे एडमिन का वर्क करेगा, यानी ये एक्सेप्ट करेगा आपका रिक्वेस्ट के, रिजेक्ट करेगा आपको, ऐड करेगा आपको, रिमूव करेगा, तो एचआर को एडमिन रखा गया है यहाँ पे, रोल में एडमिन रखा गया है। अब आइए सेकेंड पार्ट हमारे देखा जाए, तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखिए, आइए यहाँ पे हमारा इम्प्लॉई आएगा, तो इम्प्लॉई आएगा, तो यहाँ पे इम्प्लॉई भी नाम लिख देते हैं, इम्प्लॉई, यहाँ पे देखिए इम्प्लॉई आएगा हमारा, फर्स्ट में एचआर, सेकंड में इम्प्लॉई होगा। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, दोनों में हम किस रिलेशनशिप को, कौन सा मैपिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिलेशनशिप बनाएंगे, तो रिलेशनशिप के लिए इसको उठाएंगे और यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा रिलेशनशिप है, इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस देखिए दोस्तों, ये सब डायग्राम सबको नहीं बताता, क्या है कि ये सब डायग्राम बहुत लोग को समझ में ही नहीं आता, दो दो तीन तीन साल एक्सपीरियंस हो जाता लेकिन फिर भी इस डायग्राम का मालूम नहीं होता, ये डायग्राम बनाया कैसे जाता है, रिलेशन कैसे किया जाता है एक दूसरे को, तो यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप होगा, और इस रिलेशनशिप कौन सा रिलेशनशिप होगा दोस्तों, तो हमारा रिलेशनशिप होगा हैज ए रिलेशनशिप। सबसे पहले हम लोग मैपिंग करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले रिलेशनशिप मैप करेंगे, रिलेशनशिप को हम लोग डायमंड से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, डायमंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये डायमंड शेप हो गया, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है हम लोग नाम दे देते हैं पहले, हैज ए रिलेशनशिप है दोस्तों, हैज ए रिलेशनशिप, हैज ए रिलेशनशिप, हमें उम्मीद है कि आप लोग को मालूम होगा कि हैज ए रिलेशनशिप और इज ए रिलेशनशिप के बीच में क्या डिफरेंट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो कमेंट में अपना जैसे जरूर बताएं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एचआर हो गया, ऊपर इम्प्लॉई हो गया, तो ऊपर ये दोनों के बीच जैसे इनहेरिटेंस है जो रिलेशनशिप रहेगा। अब मैपिंग का बात करें तो वन टू मेनी मैपिंग रखेंगे यहाँ पे, वन टू मेनी, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइएगा, देखिए यहाँ हमारा ऐसे मैपिंग रहेगा, ये ईआर डायग्राम है, देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से बनाने वाले ईआर डायग्राम, देखिए, और यहाँ से देखिए ये वन से मेनी, यानी एचआर एक रहेगा ही, उसके अंडर मल्टीपल इम्प्लॉई रह सकते हैं, कहने का मतलब एक एचआर मल्टीपल इम्प्लॉई को ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, उसका परमिशन को अप्रूव कर सकता है दोस्तों। तो हमारा वन टू मेनी मैपिंग हो गया यहाँ पे, और लिख भी देते नहीं तो बहुत लड़के कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या कैसे हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बता दें कि है वो यहाँ पे वन है, चलिए यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे एन, कहने का मतलब कि वन टू मेनी मैपिंग, इधर से वन रहेगा, इधर से मैनी मैपिंग रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसके ऊपर हम लोग और बात करने वाले, उसके ऊपर हम लोग एट्रीब्यूट भी बनाने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए एट्रीब्यूट में सबसे अच्छा रहेगा ये कि सबसे पहले हम लोग क्या है कि इम्प्लॉई रहेगा, तो इम्प्लॉई के यहाँ इम्प्लॉई आई डी रहेगा, इम्प्लॉई नेम रह सकता है यहाँ पे, इम्प्लॉई ईमेल आई डी रहेगा यहाँ पे, इम्प्लॉई फोन नंबर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इम्प्लॉई एड्रेस रह सकता है, इम्प्लॉई सैलरी रह सकता है यहाँ पे, पीएफ नंबर आ सकता है, और बहुत सारा हो सकता है दोस्तों, जो कि हम लोग आगे डेवलप करने वाले हैं। यहाँ समझाने के लिए कुछ बता दिया है, तो हम लीजिए थोड़ा नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि कुछ समझे में नहीं आता है, इसको कुछ भी लिख दे रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आई डी लिख देते हैं, कहने का मतलब है इम्प्लॉई का आई डी हो गया, और यहाँ पे हो गया नेम, इम्प्लॉई का नेम हो गया, ईमेल हो गया यहाँ पे एम ओ, मोबाइल नंबर हो गया यहाँ पे, यहाँ पे सैलरी हो सकता है, पीएफ हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे रिलेशन भी हम लोग बताने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ पे ओ टी एच अदर्स, यानी कहने का मतलब बहुत सारा अभी हम लोग मैपिंग करने वाले हैं, इसे एट्रीब्यूट कहते हैं दोस्तों, एंटिटी
डायग्राम में, ऐसे तो जावा में इसको वेरिएबल में डिक्लेयर करेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम लोग करने के कुछ नहीं है, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से मैपिंग कर देंगे। यानी कहने का मतलब कि ये इम्प्लॉई का पार्ट है, और यहाँ से फास्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। देखिए दोस्तों ऐसे ही होता है मैपिंग, इसे ही ईयर डायग्राम कहा जाता है दोस्तों। और भी बताने वाले हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे तो हो गया सेम थिंग, यहाँ एचआर में भी इतना एट्रीब्यूट डाला जाएगा कुछ, यानी एचआर का नाम भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एचआर के में भी डाला जाएगा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि एचआर के लिए कुछ नहीं बनेगा, यूजर के लिए एम्प्लॉय के लिए दोनों के लिए सेम टेबल रहेगा। हम लोग एक रोल के लिए अलग टेबल बनाने वाले, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे एक अलग टेबल बनाएंगे, यहाँ इसके अंदर डाल देंगे हम लोग रोल। यहाँ पे रोल हो जाएगा दोस्तों, देखिए इस टेबल में हम लोग को रोल मेंटेन करना है। क्या है कि ये जो है इसमें इम्प्लॉय का भी डेटा सेफ होगा और एडमिन का भी होगा, लेकिन हम लोग एक रोल के लिए अलग टेबल मेंटेन करेंगे। इस रोल में जैसे कि दो रोल होगा, जैसे कि दो नेम होगा यहाँ पे, जैसे कि आप लोग को भी बता देता हूँ दोस्तों। ऐसे तो और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके भी बीच में मैपिंग करेंगे दोस्तों। अब आइए इसके अंदर नाम लिख दिया जाए दोस्तों। तो रोल में यहाँ हो जाएगा दोस्तों इम्प्लॉई आईडी ले लेंगे हम लोग, ईएमपी इम्प्लॉई आईडी हो जाएगा। इधर बात किया जाए दोस्तों तो रोल में हो जाएगा एडमिन, यूएसईआर यूजर या एडमिन, यूजर या एडमिन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग उधर थोड़ा सा, चलिए ठीक है एडमिन हो गया। अब इस इन दोनों के बीच में वन बाई वन, जैसे कि वन टू वन रिलेशन मैपिंग होगा, इसके बीच में भी रिलेशन रहेगा दोस्तों, इसके बीच में रिलेशन रहेगा और इसके बीच में भी रिलेशन बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हाँ इसके बीच में भी रिलेशन रहेगा और इसके बीच में भी रिलेशन रहेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में वन टू वन मैपिंग, जैसे कि वन टू वन रिलेशनशिप रहेगा दोस्तों। क्या है कि हमारा एक ही, जैसे कि रोल एक इम्प्लॉई का एक ही रोल देंगे, जैसे कि अगर वो एचआर है तो इम्प्लॉई में नहीं डालेंगे, उसको एचआर में ही रखेंगे। अगर इम्प्लॉई है तो उसको इम्प्लॉई को यूजर रोल देंगे, यहाँ पे यूजर देंगे, तो उसका भी एक ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे वन बाई वन रिलेशनशिप हमने बनाया। तो जैसे कि हमारा ये हो गया ईयर डाइग्राम, हमने नाम भी लिख देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे नाम लिख देना चाहता हूँ। ईआर डायग्राम यहाँ पे थोड़ा फंट बड़ा कर देता हूँ। हाँ चलिए दोस्तों ये ईआर डायग्राम हो गया हमारा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या किया, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश किया, उसके बाद हमने क्या है कि टेक्नोलॉजी का भी हमने बताया कि किस किस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या क्या हमारा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन रहेगा इस सेशन में। और उसके बाद हमने ईयर डायग्राम पे भी डिस्कस कर लिया है कि एचआर के जैसे एडमिन के बीच और यूजर के बीच किस टाइप्स का रिलेशनशिप रहेगा, किस हाई जे रिलेशनशिप या ई जे रिलेशनशिप, कौन सा इनहेरिटेंस का यूज किया जाएगा। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, रोल्स का भी डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। देखिए तो जानकारी के लिए बता दूं कि डेवलपमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे इक्लिप्स यूज करेंगे। इक्लिप्स हम इसलिए यूज करते हैं, कर रहे हैं, क्या है कि क्लिप्स थोड़ा स्प्रिंग बूट कर रहे हैं, नहीं तो फ्रंट एंड के लिए वीएस कोड बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हम यहाँ पे क्लिप्स यूज करेंगे। क्लिप्स में भी फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब कुछ करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा था, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों क्या आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे नहीं है दोस्तों, ऐसे मैं अपलोड करने जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।